वाओ, 11,600 mAh का पावर बैंक मुझे मिला ओनली 293 रुपीज में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मेरे पास है एक 11,600 mAh का पावर बैंक। हाँ, प्रोडक्ट तो बहुत ही छोटा है बट इसका बॉक्स बहुत ही बड़ा है। और आज का इस वीडियो में सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका रिव्यू करने के साथ साथ इसका थोड़ा टेस्टिंग करेंगे और आपको बताऊंगा कि मैंने इसको इतना कम प्राइस में कैसे लिया और क्या यह वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है और क्या आपको इसको परचेस करना चाहिए या नहीं चाहिए। सिर्फ इसी एक वीडियो में ये सभी टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ और आप इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिए, पूरे शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक एंड आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टार अभिषेक टेक्निकल। स्टार्ट करते हैं और इसका अनबॉक्सिंग करने से पहले जिनको पता नहीं है उनको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम पे एक डील्स का फैमिली है जहाँ पे मैं अच्छा अच्छा डील्स शेयर करता रहता हूँ। अगर आपको डील्स देखना अच्छा लगता है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं इसका अनबॉक्स। यह है इसी पावर बैंक का बॉक्स। इसके अंदर में है इसका इनवॉइस और इनवॉइस में आप इसका प्राइस देख सकते हैं। मैंने इसको ओनली 293 में परचेस किया हूँ और ये कंपनी का नाम है सिग्नाटाइज, मॉडल नंबर है SZ114 और यहाँ पे मेंशन है कि ये है 11,600 mAh का पावर बैंक और इसका दोनों साइड में सील मिल जाता है। चलिए अब इसका सील को करते हैं ब्रेक। के अंदर में है USB-A टू माइक्रो USB चार्जिंग केबल और एक प्लास्टिक के अंदर में मिलता है हमारा मेन प्रोडक्ट जो कि है एक पावर बैंक। इसमें एक हार्ड प्लास्टिक का बॉडी मिल जाता है और इसमें टेक्सचर मिलता है। इसी टेक्सचर के वजह से ये देखने के लिए टोटली प्रीमियम लगता है और ये व्हाइट कलर का है और यहाँ पे मेंशन है सिग्नाटाइज और ये पावर बैंक बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल है। इसका वेट है 269 ग्राम और मुझे अच्छा लगा कि इसी पावर बैंक बहुत सारे प्रोटेक्शन के साथ आता है, जैसा कि ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन, ओवर पावर प्रोटेक्शन, करंट प्रोटेक्शन, वोल्टेज प्रोटेक्शन, टेम्परेचर प्रोटेक्शन एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। और इसका बैक साइड में इसका कुछ फीचर्स, जैसा कि इसका कैपेसिटी है 11,600 mAh, इसका मॉडल नंबर है SZ114 और ये 5V 2 एम्पियर यानी 10 वाट का इनपुट को सपोर्ट करता है और ये 5V 1.5 एम्पियर यानी 7.5 वाट का आउटपुट मिलता है। यानी जब ये पावर बैंक को चार्ज करेंगे ये 10 वाट का करंट लेगा और जब आप ये पावर बैंक से और कोई फोन को चार्ज करेंगे या कोई दूसरे कोई डिवाइस को चार्ज करेंगे ये ओनली 7.5 वाट का करंट देगा, जो कि थोड़ा स्लो तो है बट प्राइस के हिसाब से ठीक है। और इसका राइट साइड में एक मल्टीफंक्शनल बटन है और इसको प्रेस करने से इसका बैटरी स्टेटस यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे है 25%, 50%, 75% एंड 100% और इसी बटन को दो बार प्रेस करने से यहाँ पे टॉर्च ऑन हो जाता है। इसका ये टॉर्च का फीचर मुझे अच्छा लगा और ये इतना ज़्यादा ब्राइट तो नहीं है फिर भी ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर में है दो USB टाइप ए पोर्ट जो कि चार्जिंग आउटपुट के लिए है। इसका इनपुट के लिए यहाँ पे है माइक्रो USB पोर्ट। तो चलिए फाइनली अब इसका टेस्टिंग करते हैं और यह है वोल्ट एंड एम्पियर का मीटर। चलिए अब इसमें लगाते हैं। फोन चार्जिंग होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे 4.7 वोल्ट 1.4 एम्पियर और अब इसका आउटपुट आ रहा है 6.5 वाट और इसमें मेंशन था कि ये 5 वोल्ट 1.5 एम्पियर यानी 7.5 वाट का आउटपुट देगा। ये 6.5 वाट का आउटपुट दे रहा है और ये 1 वाट का आउटपुट कम दे रहा है, जो कि ठीक है। और मैंने इसी पावर बैंक को इतना कम प्राइस में कैसे लिया, देखिए दोस्तों, जब इसका डील्स आया था तब इसको हमारा डील्स बाय अभिषेक
टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था, तब इसका प्राइस था 533 रुपीज और तब एक 45% ऑफ का कूपन था और वो कूपन को अप्लाई करने के बाद ये 293 पे मिल रहा था और तब इसी कूपन को अप्लाई करके मैंने इसको ओनली 293 में लिया था। और जब नेक्स्ट टाइम इसका डील्स आएगा फिर से इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा तब आप इसको ले सकते हैं। और इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे इसका बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, आप इसका प्राइस को चेक कीजिए। अगर ये पावर बैंक आपको 300 के अंदर में मिलता है, 300 के अंदर में ये सुपर वैल्यू फॉर मनी है और तब आप इसको ले सकते हो। अगर इसका प्राइस 300 से ज्यादा दिखाता है तो तब आप इसको मत लेना, आप दूसरे कोई अच्छा ब्रांड का पावर बैंक को ले लेना। और 300 के अंदर में इसको लेने के लिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये 11,600 mAh का पावर बैंक है और इसमें दो आउटपुट पोर्ट मिल जाता है, इसके साथ साथ इसमें एक टॉर्च भी मिलता है और इसमें ओवर चार्जिंग करंट पावर टेम्परेचर का प्रोटेक्शन मिल जाता है और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी है। और इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा होने के साथ साथ ये पोर्टेबल भी है, बट इसमें सिर्फ कुछ कमियां हैं, जैसा कि ये कोई अच्छा ब्रांड का नहीं है और इसमें बहुत ही स्लो आउटपुट मिलता है। और आपको फिर से भी रिमाइंड दे देता हूँ, इसी तरह अच्छा अच्छा डील्स मैं हमारा टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता रहता हूँ, अगर आपको डील्स देखना अच्छा लगता है डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसे वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और इसे वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ हमारा चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कीजिए, क्योंकि YouTube में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बाय बाय दोस्तों।